सौ ने मार साहिब परम गुरु पाठशाला सत केवल विद्या मंदिर गुजराती मध्यम संकुल आप सब विद्यार्थी मित्रों ऑनलाइन शिक्षण कार्य पद्धति मगत छु मैं काजल हिंगू कक्षा आठ विषय हिंदी इकाई तीन अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स तो विद्यार्थी मित्रों आज मैं आपको अंतरिक्ष परी सुनी विलियम्स के बारे में जानकारी दूंगी तो सबसे पहले इस लेखक का नाम मैं आपको बताऊंगी और उसका परिचय करवाऊंगी तो इस लेखक का नाम है डॉक्टर कोकिला पारेख डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन उन्नीस में गांव जिला गांधीनगर में हुआ था आपने एम ए एम फिल और विद्या वाचस्पति पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विदेश योगदान दिया है महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य भी किया है हिंदी प्रचार प्रसार में भी हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत हैं तो इस पाठ में क्या है मैं आपको बताऊंगी प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन शिक्षा अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण प्रशिक्षण अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड अहमदाबाद से सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है तो आपको ये सब जानना आवश्यक है लेकिन आपको पता है सुनीता विलियम्स के अलावा और दो लोग हैं जो अंतरिक्ष में जा चुके हैं और वो हमारे भारत के ही है वो दोनों कौन है और इसके नाम क्या है आपको पता है ओके मैं आपको बताती हूँ एक है राकेश शर्मा और दूसरी कल्पना चावला। इस दोनों के बारे में आपको पता ही होगा तो आज हम अंतरिक्ष सुनीता विलियम्स के बारे में देखते हैं आपको ये ध्यान से सुनना है और आपको ध्यान से समझना है बीस सप बीस सितम्बर को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। अब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी आवेश हुई थी उसमें था गुजरात का गौरव उसमें कौन था गुजरात का गौरव यानी कौन सुनीता विलियम्स भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर बेड़ी यानी बंधन को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज भी नारी में है युवा पीढ़ी की गौरवशाली युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद कौन है दूसरी सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है सबसे पहले कौन थी कल्पना चावला और दूसरी है सुनीता सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई और सफल होकर वापस आई हमारे देश की हरियाणा प्राप्त के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था वो कहाँ के शहर की थी हरियाणा प्राप्त के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था हमारे राकेश शर्मा भी हमारे प्रतल्म राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना ही बन गई कल्पना के स्वप्न को खुद ही दीवार स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची ये दोनों का स्वप्न किसने पूरा किया सुनीता विलियम्स ने सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है उनके नाम के पीछे उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे यह हमारे मन में प्रश्न उठता है आपके भी मन में प्रश्न उठता होगा तो हम जानते हैं आगे सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है लेकिन उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है उनके पिता दीपक भाई पंड्या उनके पिता का नाम क्या था सुनीता विलियम्स के दीपक भाई पंड्या दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था तो आपको ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि दीपक भाई पंड्या का जन्म किस गांव में हुआ था और किस जिले में तो ये आपको याद रखना है उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई उन्होंने आधी जिंदगी कहाँ बिताई गुजरात में अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की उन्हें कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी अहमदाबाद शहर में डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए तो आपको ये प्रश्न देखना है और याद रखना है कि दीपक भाई पंड्या किस साल में अमेरिका चले गए तो आपको 1960 याद रखना है वे मैसाचुसेट्स के कालमाहुत में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे मैसाचुसेट्स क्या है अमेरिका का एक राज्य का नाम है के कालमाहुत में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे वो कौन थे एक न्यूरोसर्जन थे और प्रसिद्ध भी थे न्यूरोसर्जन आपको पता है वो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ मस्ती की सर्जरी करने वाला बड़ा डॉक्टर उन्होंने उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लाविन युवती से शादी की उन्होंने किससे शादी की थी उस बाइन बोनी नामक युगोस्लाविन युवती के साथ शादी की युगोस्लाविया एक देश का नाम है पिता दीपक पंड्या और माता उस बाई के जय दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है सुनीता तीनों बच्चों में कैसी थी सबसे छोटी थी सुनीता जन, सुनीता का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था ये आपको याद रखना है सुनीता का जन्म उन्नीसो दिसंबर उन्नीस को ओयो अमेरिका में हुआ था सुनीता का जन्म उन्नीसो दिसंबर उन्नीस में और ओयो अमेरिका में हुआ था मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी खुले वातावरण में पली थी और सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी सुनीता बचपन से ही दौड़ स्विमिंग घुड़ दौड़ बाइकिंग स्नोबोर्डिंग धनुविद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी तो सुनीता किस किस में भाग लेती थी बचपन में तो दौड़ स्विमिंग घुड़ दौड़ बाइकिंग स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी वह बहुत मेहनती थी वह बहुत मेहनती थी घर वाले उसे प्यार से क्या कहते थे वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे छ साल की सुनी ने अमरीकी यात्री नील आमस्टोंग को चांद की धरती पर उतरते देखा था जब सुनीता छ साल की थी तब उसने क्या देखा था नील आमस्ट को चांद की धरती पर उतरते देखा था तब से मन में एक निश्चय कर लिया था तब से ही साल की थी, तब से से ही ही साल की की थी उसे निश्चय निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा ही कर दिखाना है मुझे कुछ ऐसा ही कर दिखाना है बचपन का संकल्प उसने साकार किया। बचपन का संकल्प उसने साकार किया उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उन्नीस में बाद में अनुस्नानक किया इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियां का महत्व था इसके बाद नेवी में इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद मिला इसके बाद नेवी में भी एविएशन ट्रेनिंग अमेरिका में कमी कमिश, कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद भी मिला हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया प्रशिक्षण यानी विशेष प्रकार की शिक्षा प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई प्रशिक्षण के बाद क्या बनी इंचार्ज बन गई सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया यानी चुना गया पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना पायलट बनने की सिद्धि को सुनीता ने प्रथम कदम माना कहाँ जाने के लिए अंतरिक्ष पर जाने के लिए अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी किसको थी सुनीता विलियम्स को इसलिए हिम्मत नहीं हारी इसलिए सुनीता हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई और नासा जाने में सफल हो गई तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है तब से आज तक सुनीता नासा में भी रही और वहाँ के काम में लग गई उन्नीस में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ उन्नीस में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चुना गया दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल सो ही है हमारे दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्री विद्यार्थी मित्रों केवल कितने हैं सौ ही है सुनीता ने खास मित्र और सहद्यायी माइकल विलियम्स से शादी की सुनीता ने खास मित्र और सहद्यायी माइकल विलियम्स से शादी की सुनीता विलियम्स का खास मित्र था और उनका साथ में ही रहते थे वो दोनों और माइकल विलियम्स के साथ शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया माइकल विलियम्स ने क्या दिया सुनीता का साथ दिया अंतरिक्ष में जाने के लिए सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है पिछले आठ वर्षों में पिछले कितने वर्षों में आठ वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली पिछले आठ वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लो, लोगों ने राहत की सांस ली अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा ने अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था हम दोनों की रुचि काफी अलग थी हम दोनों की रुचि काफी अलग थी लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पीरोता है लेकिन भारतीय होना एक सूत्र में पीरोता है दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था दोनों के क्या था संगीत में बेहद लगाव था कल्पना चावला को भी संगीत पसंद था और सुनीता विलियम्स को भी कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला सुनीता कहती है कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला जून उन्नीस सौ अट्ठानवे में उस सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया जून उन्नीस में, में सुनीता को नासा के लिए चयनित यानी चुना गया अगस्त उन्नीस में अगस्त उन्नीस में उन्होंने नासा से प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया कड़े प्रशिक्षण के बाद कड़क यानि कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है ये विद्यार्थी मित्रों अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में क्या होता है ये आप देखें और सुने ध्यान से कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्वे स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है खाने से लेकर नहाने तक यह सब कुछ कठिन होता है देखो खाने से लेकर नहाने तक यह सब कुछ कठिन है लौटने में मुश्किल होती है लौटने में भी मुश्किल होती है आरब में चलने फिरने में दिक्कत होती है आरब में चलने फिरने में दिक्कत होती है हड्डियाँ कमजोर हो जाती है हड्डियाँ कैसी हो जाती है कमजोर हो जाती है दिमाग तैयार होने में समय लगता है दिमाग को तैयार होने में समय लगता है सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान रूप से रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की स्पेस वॉक यानी अंतरिक्ष में चलना सहायता की प्रदान की अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत से वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना वे अंतरिक्ष में संभवित खतरों से खेलने के लिए वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी कौन तैयार हो चुकी थी सुनीता विलियम्स सुनीता पूरी तैयारी के लिए नौ दिन पानी के अंदर भी रही सुनीता पूरी तैयारी के लिए नौ दिन पानी के अंदर भी रही प्रशिक्षण खत्म होने में करीब आठ साल लगे प्रशिक्षण खत्म होने में करीब कितने साल लगे सुनीता विलियम्स को विद्यार्थी मित्रों आठ साल लगे डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर में सेंटर से फ्लाइट इंजीनियरिंग के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची तो किस साल और किस तारीख पर स्टेशन पहुंची ये आपको याद रखना है सत्रह दिसंबर को अंतरिक्ष में चहल, कदम मी चहल कदमी की सत्रह दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की पृथ्वी से तीन सौ साठ किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की प्रति गति प्रति घंटे कितने ये आप देखो आ, सत्ताईस सताइस हजार सात सौ चौवालीस किलोमीटर की थी पृथ्वी से तीन सौ साठ किलोमीटर की दूरी पर कक्षा के स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे सत्ताईस हजार सात सौ चौवालीस किलोमीटर की थी यह अड्डा यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के पंद्रह पंद्रह पॉइंट सात चक्कर काटता था अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के दो हजार नौ सौ सड़सठ दो हज़ार नौ सौ सड़सठ चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए थे इस अभियान में सुनीता ने इस अभियान में सुनीता ने उनतीस घंटे सत्रह मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया था तो इस अभियान में सुनीता ने कितने घंटे और कितने मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया था ये आपको याद रखना है तो उनतीस घंटे और सत्रह मिनट इससे पहले अप्रैल माह में इससे पहले अप्रैल माह में चार घंटे और चौबीस मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी कौन बन चुकी थी सुनीता विलियम्स तो कितने घंटे और कितने मिनट पर चार घंटे और चौबीस मिनट तक मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है अंतरिक्ष के बॉस्टन मैराथन में अंतरिक्ष के बॉस्टन मैराथन में साढ़े चार घंटे में साढ़े चार घंटे में बयालीस किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष ने एक सौ अट्ठासी दिन में चार घंटे के सैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड भी तोड़ा देखो सुनीता विलियम्स कैसे आगे थी सुनीता विलियम्स का छ महीने तक सुनीता विलियम्स का छ महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है वहाँ कसरत करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके शरीर को लल शरीर को लचीला बनाए रखा जाए जैसा कि साइकिल चलाना दौड़ना हवा में तैरना आदि अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल है अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल है रोज डिब्बा बंद भोजन रोज डिब्बा बंद भोजन भारहीनता शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना मांसपेशियों या हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं होना सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्रों में छ महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए सुनीता ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष के केंद्रों में छ महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस फिजिकल साइंस पृथ्वी का निरीक्षण शिक्षा और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। सुनीता ने कहा यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है कितनी शानदार है सुनीता ने क्या कहा अंतरिक्ष में देखकर क्या बोलती है हमारी पृथ्वी के बारे में यहाँ पर से सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और वह यह अंतदृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। कैसे आने वाली पीढ़ियों को पीढ़ियों के लिए बचाए अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं सुनीता विलियम्स को क्या लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं नई दिल्ली में अमरीकी सेंटर में नई दिल्ली के अमरीकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह सुंदर ग्रामीण इलाके सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर हरे मैदान और उनके रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी यह दृश्य बहुत मनोहर था ये सुनीता विलियम्स बताती है 19 जून 2007 को 19 जून 2007 को स्पेस शटल अंटलाटिस सुनीता समेत सात अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ पूरा विश्व पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था एक सौ चौरानवे दिन अठारह घंटे कितने दिन आपको याद रखना है एक सौ चौरानवे दिन और अठारह घंटे और अट्ठावन मिनट अंतरिक्ष में बिताकर, अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी बाईस जून 2007 को हुई सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हो उठा हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा तो विद्यार्थी मित्रों आपको कैसा लगा सुनीता विलियम्स के बारे में और स्पेस में क्या क्या होता है अंतरिक्ष यात्री कैसे बनते हैं और वहाँ क्या क्या होता है ये सब सुनीता विलियम्स ने आपको बताया और आपको मैंने भी सुनाया और आपको ध्यान से पढ़ा ही होगा तो आपको कैसे लगा अच्छा ना तो आपको इनसे भी ज़्यादा अधिक जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे सुनीता बंद को सर्च करके आप जान सकते हो ऐसे राकेश शर्मा को और कल्पना चावला को के बारे में भी जान सकते हो तो विद्यार्थी मित्रों आपको ये सर्च कर कर आपको जानकारी मिल जाएगी तो हम ये शब्दार्थ और मुहावरे आपको लिखना है और नोट डाउन करना है और ये पाठ का पठन भी आपको करना है तो शब्दार्थ और मुहावरे आपको नोट डाउन करना है और मुहावरे का वाक्य प्रयोग करके लिखना है तो विद्यार्थी मित्रों हम अगले वीडियो में इकाई पाँच यानी उठो धरा के अमूल सपूतों सॉरी मित्रों इकाई चार हम कविता का गान करेंगे और मैं आपको कविता का समझूती यानी अर्थ समझाऊंगी तब तक अस्तु सत्य केवल साहिब